मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेडियो नोएडा 107.4 FM सामुदायिक रेडियो को लीड रेडियो स्टेशन के रूप में चुनने के उपलक्ष में मारवा स्टूडियो के परिसर में एक गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया था। चर्चा का विषय रेडियो का बढ़ता महत्व था। बता दें कि देश भर में 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित हैं, जिनमें से 24 रेडियो स्टेशनों को प्रमुख रेडियो स्टेशन के रूप में चुना गया है, जिनमें से रेडियो नोएडा 107.4 एक है। आज इस सम्मेलन में देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और रेडियो नोएडा के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा को बधाई दी। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो से नेहा यादव, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रवांडा के मिशन के उप प्रमुख श्री एमिल वेईपेसी, कर्नल त्यागवीर राघव, मेजर जनरल राजन कोचर, ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व ADG लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और रेडियो मिर्ची के लोकप्रिय RJ नावेद के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए AAFT के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि रेडियो नोएडा को शुरू हुए 12 साल हो चुके हैं और इस यात्रा में हमने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए जनता को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए हैं और प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो नोएडा को लीड रेडियो स्टेशन के रूप में चुना है। सभी आमंत्रित अतिथियों ने रेडियो की उपयोगिता, महत्व, स्मृति और आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि रेडियो हमेशा की तरह देश के विकास में प्रभावी भूमिका निभाएगा। एक कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और रेडियो नोएडा के प्रसारण निदेशक सुशील भारती ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रेडियो के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? मजे की बात यह है कि रेडियो जो है वो मीडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण मीडियम रहा है समय के साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट का दायरा इतना बढ़ गया, टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया और मोबाइल आ गए, तो कहीं ना कहीं रेडियो हल्का सा पीछे दब गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात जैसा एक कार्यक्रम रेडियो पर लाकर फिर से एक बार रेडियो में एक नई जान पैदा कर दी और यही वजह है कि आज रेडियो जो है फिर से उछल कर फिर सभी मीडियम्स के आगे आके बैठ गया है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम रेडियो नोएडा 107.4 FM पिछले 12 साल से चला रहे हैं और इन 12 सालों में हमने खुद ये महसूस किया है कि रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है और इसके ज़रिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। जब हम लोग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि जितनी भी बातें देश से जुड़ी हैं, लोगों से जुड़ी हैं, उनके भले से जुड़ी हैं, उनके कार्यों से जुड़ी हैं, जहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यक्रम देश को उज्जवल और उजागर करने के लिए बनाए जाते हैं, उन सारे कार्यक्रमों को हमें रेडियो के ज़रिए आम जनता तक पहुंचाने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है जब आपके पास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले साल रेडियो रायपुर और उसके बाद रेडियो मुंबई शुरू किया और आज तीनों ही रेडियो स्टेशन जो हैं बड़े खूबसूरत ढंग से चल रहे हैं, जहां एंटरटेनमेंट तो है ही, क्योंकि जो रेडियो है वो सबसे सस्ता माध्यम है आपके एंटरटेनमेंट का, आपका सबसे प्यारा साथी है रेडियो एंटरटेनमेंट का। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी एजुकेशन आपको रेडियो के ज़रिए और जितनी जल्दी आसानी से बिना पैसे खर्च होकर मिल सकती है, वो कोई दूसरा माध्यम आपको नहीं दे सकता। सर, आज इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐसी बात निकल के आई रेडियो को लेकर जो एक नया मुकाम पर रेडियो को पहुंचाए? देखिए, सबसे बड़ा पर्पस जो रेडियो का आज इस जो राउंड टेबल का था, वो देश के उन सभी महानुभवियों को यहाँ बुलाकर उन्हें एक बार फिर से ये जताने की हमने कोशिश की है कि रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहा है हिंदुस्तान को जागृत करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसकी उज्ज्वलता के लिए। और जब ये बात इन तमाम 50-60 महानुभवियों के ज़रिए बाहर निकलेगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उसकी रीच बहुत बड़ी होती है और जो बात हम लोग अकेले कह रहे थे अब तक, वो बात अब 50 संस्थाएं, 50 बड़े लोग एक साथ कहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये ढोल की आवाज़ दूर तक जाए। रेडियो को लेकर राउंड टेबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मैं खुद रेडियो 18-17 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी तो वो चीज़ें समझी मैंने और
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बट कंग्रेचुलेट टू मारवा रेडियो जिन्होंने ये इनिशिएट किया और लोगों तक रेडियो की ताकत और रेडियो की खूबसूरती पहुंचाई। तो आई एम सो हैप्पी कि आगे एक घंटा बैठा मैं अभी, अनफॉर्चुनेटली मुझे शूट पे जाना है तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग समझेंगे रेडियो के बारे में। सर एक लास्ट सवाल, जो नए बच्चे आ रहे हैं मीडिया फील्ड में उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैंने अंदर भी कहा है, ख़ासतौर से जो लोग रेडियो, बल्कि रेडियो ही नहीं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या रेडियो पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ नेचुरल रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये मान लीजिए कि आप बेस्ट हैं, और जिस दिन आपने मान लिया कि आप बेस्ट हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही एक मंत्रा समझ लीजिए रेडियो का, ख़ासतौर से जिस तरह आप हैं उस तरह रहिए, बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को वैसा दिखाइए जैसे आप हैं। आज इस पर विचार विमर्श हो रहा था कि रेडियो की उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता क्या है, आजकल इसमें डिक्लाइन हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है, और हम लोग सबकी राय थी कि रेडियो का महत्व हरदम रहेगा, क्योंकि एक ये एक ऐसा माध्यम है जो कि दूर दूरस्थ इलाकों में भी इसका उपयोग होता है, गाँव में, और ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई तार लगाना या वायर लगाना जैसे टीवी में होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप खेतों में भी सुनते हैं, आप किसान हैं, काम कर रहे हैं, अपने कान में लगा लीजिए तो आपको गीत भी आ जाएंगे और आपको संदेश भी मिलते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, जितनी पहुँच रेडियो की हो सकती है वो टीवी या कोई और माध्यम से नहीं हो सकती है। तो इसका महत्व हम लोगों की राय में हरदम रहेगा। सिर्फ एक चीज़ ये देखने की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की प्रगति हो रही है, एडवांस हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दूर इलाकों में हमारे रेडियो हैं, उनकी सर्विसेज हैं, तो उसका जो रेंज है कैसे बढ़ता रहे। अब जैसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की बात हुई, इनका ज़्यादा ज़्यादा जो क्षेत्र रहता है 12 किलोमीटर रहता है। अब 12 किलोमीटर में आपके 100 गांव हो जाएंगे, 150 गांव हो जाएंगे, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि गांव तो हमारे 6.5 लाख के ऊपर हैं पूरे भारतवर्ष में, और रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो गाँव को लिंक करता है और इंटरेक्टिव है। गांव वाले कुछ बोलते हैं, उसका कोई रिएक्शन होता है, वो आप पर रेडियो पर आ जाता है, टीवी इतना उपयोगी नहीं होता है। देखिए, हमारी तो ज़िंदगी पूरी रेडियो में गुजरी है, तो कितने लोगों को नया जीवन दिया है रक्तदान से, कितने लोगों को, जो हमारे ये जो हम मनोवैज्ञानिक, इतनी समस्याएं, लाखों चिट्ठियां आती थी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की, तो कितने लोगों को हमने उससे उबारा है। तो आकाशवाणी ने इतना कुछ किया है कि उसके लिए तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन आज जो ये हुआ यहाँ पे, खास करके कम्युनिटी रेडियो पर भी बात हो रही थी, अभी योगेंद्र नारायण जी ने भी कहा, तो देखिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर क्षेत्रीय स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर शहर के स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, और ये सबसे एक हो गया कि कम्युनिटी रेडियो, जैसे लोकल रेडियो स्टेशन का कंसेप्ट लेके आकाशवाणी बहुत पहले आए, जब कम्युनिटी रेडियो शुरू भी नहीं हुआ था। यानी एक छोटी सी जगह है जैसे कठुआ है, तो वहाँ डोगरी कल्चर है, तो एक लोकल स्टेशन हो गया, बरेली है, इस तरह का। तो कम्युनिटी रेडियो की, दुर्भाग्य से भारत में कई हज़ार कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए, भारत इतना विशाल है, क्योंकि उसका कंसेप्ट ये कि, क्योंकि जैसे होता ना, जगह जगह भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है, तो उसका दायरा ही वही है कि बहुत सारे हजारों, इतना बड़ा मुल्क है, कई हजार कम्युनिटी रेडियो यहाँ पे होने चाहिए। द कॉन्फ्रेंस ऑफ टुडे वाज रियल इनसाइटफुल एंड इंफॉर्मेटिव एज फार एज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो इज कंसर्न्ड, एंड वी हैड एमिनेंट स्पीकर्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, एंड the session was really really informative, and all the speakers basically highlighted the importance of the radio. It was
generally agreed that radio is still an important channel of communication, despite the rise of the internet and social media. And the other important point that was made is that radio has been very, very much useful. देखिए, रेडियो के बारे में जो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें अभाव हुआ उसका जो हमको पता चला, वो ये हमें पता चला कि रेडियो किस तरीके से एक कॉमन मैन, एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से भारत की प्रगति के लिए हर एक फील्ड में क्या योगदान दे सकता है, देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। ये पता आज हमें पता चला कि रेडियो कितना महत्वपूर्ण है और मारवा स्टूडियो के संदीप मारवा साहब का ये योगदान जो है, ये भारत के लिए, भारत की बाकी संस्थाओं के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही एक उम्दा चीज़ हमने आज देखी और हमको इसका जो एक्सपीरियंस हुआ ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं मेजर जनरल राजन कोचर हूँ। मैं फौज में 37 साल नौकरी करी है और मुझे इस फंक्शन में बुलाया गया। बेसिकली रेडियो का जो महत्व है, हम उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मंथन हुआ है। आज काफ़ी एक्सपर्ट्स जो रेडियो के फील्ड में थे, और हमारा भी रिटायर होने के बाद मैं भी मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ एक डिफेंस एनालिस्ट की तरह, और जो मैं यूथ को मेंटर करता हूँ, तो रेडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है यूथ तक जाने के लिए। हमारा जो देश है, 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम उम्र की, तो रेडियो एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे हम अपने यूथ को एक सही दिशा दिखा सकें। जो राउंड टेबल आयोजन किया गया था कॉन्फ्रेंस, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जैसा कि मैंने कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अक्टूबर 2009 में हमारा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था और आज लगभग 12 साल से ऊपर हमारा रेडियो स्टेशन को हो गया है। तो कांस्टेंट एक चीज़ बात होती है रेडियो स्टेशन की कंसिस्टेंसी। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, ऊपर समय देखा, नीचे समय देखा, लेकिन रेडियो स्टेशन को हम लोगों ने बहुत ही कमाल तरीके से चलाया और जो हम करना चाहते थे, जिस तरह के कार्यक्रमों को बनाना चाहते थे, वो हमने बनाए। तो एक ये बहुत बड़ी बात थी और जिसको मद्देनज़र रखते हुए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने पूरे देश भर से जो 350 से ज़्यादा जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, उनमें से आउट ऑफ 350 उन्होंने 24 रेडियो स्टेशन को चुना है जिनको लीड रेडियो स्टेशन का नाम दिया गया है। क्योंकि आप ये समझिए कि पूरे देश के अंदर बहुत अभी विकास की गुंजाइश है और भारत सरकार ये चाहती है कि 1000 रेडियो स्टेशन जो है पूरे देश के अंदर हों, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो आज की ज़रूरत बन गई है और रेडियो का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, अपने आप में क्रांतिकारी कदम है भारत में, विदेशों में भी। लेकिन भारत में जो जिस तरह से रेडियो का अभी 2019 के डाटा के हिसाब 386 रेडियो स्टेशन है, लेकिन आज की तारीख में 400 से ज़्यादा रेडियो स्टेशन हो गए हैं। भारत सरकार की योजना है 1000 से ज़्यादा रेडियो स्टेशन विद कम्युनिटी रेडियो हो। उसमें जो भी आज जो ये मंथन हुआ, यहाँ पे रेडियो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई, बहुत ही एक सकारात्मक कदम था। डॉक्टर संदीप मारवा का मैं आभारी हूँ। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा सिंह। मैं आज रेडियो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा स्टूडियोज़ में आई हुई हूँ। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर्स आए हुए हैं और यहाँ पर रेडियो के में हम किस तरह से बदलाव लेकर आ सकते हैं और क्या बेस है रेडियो का, इसके बारे में बहुत नए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली है। ऋतु भगत हूँ, मैं एजुकेशन और मीडिया में हूँ और आज आके बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारा रेडियो के ऊपर चर्चा थी और अल्टीमेटली हम सबको मालूम है कि रेडियो ऑल इंडिया, अगर आज फेक न्यूज़ के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं हो सकती। और हमें ये भी मालूम है कि वोकैबलरी और प्रोनंसिएशन के लिए ऑल इंडिया रेडियो सबसे बेस्ट है। और संदीप मारवा जी जो रेडियो के विषय में कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल एग्जाम्पलरी है।